السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि अपनी लाइफ के अंदर तीन एस को ऐड कर लें तो आपकी लाइफ में निखार पैदा हो सकता है और आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा. उनमें से पहला है स्लो डाउन, कि अपनी लाइफ के अंदर स्लो डाउन को ऐड कर लें. अपनी लाइफ में स्लो डाउन को ऐड करें. आप कोई भी किसी किस्म का भी काम करते हैं तो उसमें धीमे से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता से, और स्लो डाउन, उजरत पसंदी को ना अपनाएं, जल्दबाजी ना कीजिए. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-अजलतु मिनश्शैतान, कि ये जो जल्दबाजी है ये शैतान से है. तो हमें उजरत पसंदी से बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए. और अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम के अंदर तकरीबन 37 मुकामात के ऊपर इसका ही तज़किरा किया है और दो तीन मुकामात पे इसकी मजम्मत नहीं की, बाकी हर मुकाम पे अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत की है कि इससे बचें. तो हम आज अगर देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे हम जिधर भी रहते हैं, वो हम जल्दबाजी के अंदर, उजरत पसंदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम जो है हमसे गलत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैसले जो हैं वो गलत सादर हो जाते हैं हमसे. तो हमें हमेशा उजरत पसंदी से बचना चाहिए. और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमसे कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को भी हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसकी बात को भी सेटिस्फैक्ट्री से सुनना चाहिए और हम उसका फिर उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए हमें. तो हम बहुत ही ज़्यादा मुकामात के ऊपर उजलत पसंदी को अपनाते हैं, जिस वजह से हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी रिलेशनशिप को भी खो जाते हैं और हम अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं और बहुत से फ्रेंड्स को भी हम छोड़ देते हैं इसी उजरत पसंदी की वजह से. तो हमें उजरत पसंदी से बचना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए. नंबर टू है साइलेंस, कि अपनी लाइफ के अंदर साइलेंस को ऐड कर लें. नंबर टू साइलेंस, साइलेंस को ऐड करें, खामोश रहना सीखिए. और ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बोलना, ये अपने अंदर से ख़त्म कीजिए और खामोश रहना, साइलेंस रहना सीखिए. साइलेंस रहने से आपकी पर्सनैलिटी भी उभरेगी और आपकी बात को भी अहमियत दी जाएगी और आपकी बात को भी लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग से सुनेंगे, समझेंगे. और हमें अपनी लाइफ के अंदर साइलेंस को ऐड करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा मुकामात के ऊपर, अगर साइलेंस को ऐड कर लेते हैं तो बहुत सारे मुकामात पे हम अपने आप को एक नुमाया साबित कर सकते हैं. तो साइलेंस इज़ अ वेरी प्रीशियस ह्यूमन ऑर्नामेंट, तो ये इंसान का बहुत बड़ा जेवर है, तो हमें इसको अपनाना चाहिए. और दूसरी साइड पे एक वो आदमी जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, देन दी पर्सन हु स्पीक्स मोर, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, उसको कोई, उसकी पर्सनैलिटी बढ़ती नहीं है. लोग उसको कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, फिर उसकी जो बात है उसको भी सीरियस नहीं लिया जाता. तो मैं स्पेशली अपनी यूथ को और तमाम ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर साइलेंस को ऐड कर लेते हैं तो अगर आपको कोई आदमी गाली दे देता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई आपके साथ बुरे तरीके से पेश आता है, तो अगर आप साइलेंस हो जाते हैं, जो साइलेंस हो जाता है ना, फिर उसको वक्त ज़रूर जवाब देता है, फिर अगर उसको वक्त ज़रूर रिप्लाई करेगा. और अल्लाह ताला भी जो इंसान खामोशी को इख्तियार कर देता है, जो झगड़े को छोड़ देता है, जो उसको पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देता, गाली का जवाब गाली से नहीं देता, साइलेंस हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला एक दिन आएगा उसको ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे. और एक दिन आएगा वो खुद विल फील अशेम्ड, वो ज़रूर महसूस करेगा. तो हमें अपनी लाइफ के अंदर साइलेंस को ऐड कर लेना चाहिए. नंबर थ्री है स्माइल, अपनी लाइफ में स्माइल को ऐड कीजिए. तो आप अगर स्माइल को ऐड करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा
अपने आप को एक आप बहुत ही ज़्यादा आपका चेहरा जो है निखरा हुआ नज़र आएगा, आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी लगेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में स्माइल को ऐड करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुमु फी वजही अखीक लक सदकतुन, तेरा मुस्कुराना तेरे भाई के लिए सदका है। तो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा अजर है इसका कि हम मुस्कुराएं, सिर्फ मुस्कुराने से सदका अदा हो जाता है। तो मुस्कुराना भी सदका है इंसान का, तो हमें बहुत ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए। और हर वक्त आवर फेस शुड कीप ग्लोइंग, हर वक्त हमारे चेहरे के ऊपर ये हमारा चेहरे के ऊपर चमक होनी चाहिए। और हम अपनी लाइफ में स्माइल को ऐड कर लें तो हम कोई भी बात करते हैं, हम किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, हम किसी के साथ भी कोई बात कर रहे हैं, तो हमारे चेहरे के ऊपर अगर स्माइल है, हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल है तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा निखरा हुआ नज़र आएगा। यू शुड ऑलवेज़ हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। तो अपने चेहरे के ऊपर स्माइल को लेके आइए, और अपने चेहरे के ऊपर अगर हम स्माइल को लेकर आएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय से अपनी ज़िंदगी जो है उसको बसर करेंगे, और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करेंगे।